तो मुन्नी बदनाम हुई ठुमके की वजह से और क्या गिली के फ्रेंड्स फंस जाएंगे एक झुमके की वजह से। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस का जायका कम लग रहा है। तो कहानी स्टार्ट होती है संतोष के फादर से, जिसको दिखाया जाता है कि वो राजेंद्रन के घर पहुंच चुके हैं और फिर वो उसके घर की घंटी बजाते हैं। तभी राजेंद्रन की जो वाइफ है वो बाहर आती है और सुनाने लग जाती हैं कि आपके लड़कों ने मेरे बेटे को इतना मारा है कि देखिए उसकी क्या हालत हो गई है, और ऐसे कोई किसी को मारता है क्या। और तभी संतोष के फादर कहते हैं कि क्या राजेंद्रन घर पे है, लेकिन वो उस समय होता नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं मिल लूंगा उनसे पुलिस स्टेशन में जाके। इसके बाद रागी जो है वो हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। रागी को पैर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जिस वजह से वो चल नहीं पा रही है। और फिर डॉक्टर कहती है कि अगर इसको बहुत ज्यादा दूर ले जाना है तो इसको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, तभी ये घूम सकती है, वरना इसकी ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी नहीं। और यहाँ पे इराई जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी कहानी शिफ्ट होती है पुलिस स्टेशन में, जहाँ राजेंद्रन जो है वो सो रहा होता है। और तभी उसके पास उसका पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि देखिए थाने में सीबीआई वाले आए हैं। सीबीआई वालों को पता चलता है कि राजेंद्रन ने आयरा का एक बंदा छुपा रखा है। सीबीआई वाले पूरी पुलिस स्टेशन को चेक करते हैं, बट आयरा का कोई भी आदमी उन्हें दिखाई नहीं देता। दरअसल राजेंद्रन ने उसको पहले ही वहां से निकाल दिया होता है कि सीबीआई वालों को ये बंदा मिलना नहीं चाहिए। कहानी शिफ्ट हो जाती है रिको और लियो पे, जो कि मिलने आते हैं एक आदमी से। उसने लियो और रिको को लॉकेट वाली चोरी का काम सौंपा था। लियो कहता है उससे कि भाई प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं जल्दी ही लॉकेट का पता लगा लूंगा। और आयरा को बोलना कि थोड़ा टाइम लगेगा। दरअसल लियो चाहता है कि वो आयरा के साथ मिलके काम करे, क्योंकि आयरा बहुत बड़ा माफिया डॉन है और उसके साथ काम करने का मतलब है पैसा ही पैसा। जिस वजह से वो आदमी लियो पे चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि देख आयरा तेरे को नहीं जानता है, उसने ये काम मुझे सौंपा था और मैंने तुझे, क्योंकि सीसीटीवी के बारे में तुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन तूने सब कुछ खराब कर दिया। जल्दी से उस लॉकेट को ढूंढ वरना तुम लोग जान से मारे जाओगे। और रिको और लियो वहां से जाने लग जाते हैं। तभी वो आदमी रिको से पूछता है कि एक बात बता, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा है या उसने तुझे, क्योंकि वो किसी और के साथ घूम रही है और जिसके साथ वो घूम रही है उस बंदे का नाम है पनीर। तभी रिको गुस्सा होता है। लियो उसे कहता है देख हम तेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, और लॉकेट ढूंढ और ब्लेड को जल्दी ढूंढ वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इसके बाद रिको ने एक घर ढूंढ लिया है लियो के लिए, जो कि एक पुलिस वाले का घर है। और तभी लियो जो है रेंट पे रहने आ जाता है चेजियान के घर में। और जब लियो आता है तो चेजियान जो है वो वहां नहीं रहता है। चेजियान की पत्नी जो है लियो को उसका कमरा दिखा देती है और उसी वक्त इराई भी वहां पे मौजूद होता है। इराई जब देखता है कि ऊपर वाला कमरा जो है वो नए रेंटर को दे दिया गया है, तो वो शॉक्ड होके भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपने तो बोला था ना कि ये कमरा रागी और उसकी मॉम को मिलेगा, तो आपने ये कमरा दूसरों को क्यों दे दिया। उसकी मॉम समझाती है कि ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आया है, तुम टेंशन मत लो, जब वो आएंगी तो हम ये कमरा उन्हें सौंप देंगे। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में, जिस टाइम सारे बच्चे जो है क्लासरूम में बैठे रहते हैं, वहाँ रागी भी होती है और रागी की मॉम बायोलॉजी पढ़ा रही होती है। उसी वक्त क्लास ओवर होती है और जब इराई जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए डायग्राम को मिटाने जाता है, तभी इराई के फ्रेंड्स बोलते हैं तू रुक जा, अभी हमने ये डायग्राम बनाया नहीं है। वो इराई को बार बार फोर्स कर रहे होते हैं। तभी इराई डस्टर चला के अपने दोस्तों को मारने की कोशिश करता है और वो डस्टर लग जाता है रागी को। रागी को एक प्रॉब्लम है कि अगर उसके शरीर से खून बहता है तो वो बंदी नहीं होता है, जिस वजह से कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। इराई को याद आता है कि अगर रागी को हमें ले जाना है कहीं पे तो उसके लिए डॉक्टर ने बताया था इंजेक्शन लगेगा, और इसके बाद वो इंजेक्शन सर्च करता है तो वो इंजेक्शन का प्राइस 13,000 होता है। वो सीधा फोन लगाता है गिली को और उससे 13,000 रुपए मांगने की कोशिश करता है। गिली कहता है कि मैं अपने दादाजी से मांगने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद इराई अपने घर से भी कुछ पैसे निकाल लेता है। ये लोग रेडी हो जाते हैं पनीर के घर जाने के लिए। इसके बाद उसी वक्त वहाँ संतोष आ जाता है। संतोष जो है दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त कहते हैं तू इतनी देर से कहाँ था, कब से ढूंढ रहे थे हम तुझे। और संतोष आके अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया है, जिस वजह से उसके सारे दोस्त रोने लग जाते हैं कि तूने क्या किया संतोष, गद्दारी कर दी तूने और तूने वो सोना चुराया ही क्यों। इसके बाद गिली उसे कहता है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा वरना देख लेना बहुत बुरा होगा। संतोष एक पहाड़ी पे आके वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और रोने लग जाता है। गिली इराई और बाला डिसाइड करते हैं इस बॉडी को शिफ्ट करना पड़ेगा, पर इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि बॉडी को कहाँ शिफ्ट करें। फिर ये लोग वहाँ खड्डा खोदने लग जाते हैं और तभी इन्हें सुनाई देता है कि कोई आ रहा है इनकी तरफ। ये लोग जाके छुप जाते हैं और एंटर होते हैं संतोष के पापा, जो वहाँ जाते हैं जहाँ पे ब्लेड की लाश गड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है। और वहाँ से
वो उसकी लाश को खोदने लग जाते हैं। दरअसल वहाँ पे बैग छुपाया गया है, उसमें बहुत सारा सोना है, इसलिए संतोष के पापा को लालच आ गया था। और जैसे ही वो खोदने लग जाता है, संतोष आता है और बैट से अपने पापा का सर घुमा देता है, जिस वजह से संतोष के पापा जो है वही ढेर हो जाते हैं। संतोष अपने पापा को एक स्टोर रूम में बंद कर देता है और उनके हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद वो कहता है कि पापा देखिए, हमको थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम कल सुबह तक सब कुछ ठीक करके आएंगे, और आप जानते नहीं है यहाँ कितना बड़ा कांड हो गया है, तो प्लीज आप किसी को बताने की कोशिश मत करना और चिल्लाना भी मत, हम जल्दी आके आपको यहाँ से रिलीज कर देंगे, तब तक के लिए आप यहीं पड़े रहिए। इधर संतोष के सारे दोस्त संतोष पे फिर से ट्रस्ट कर लेते हैं और इसके बाद संतोष अपने घर आ जाता है। अगली सुबह संतोष की मम्मी पूछती है संतोष से कि क्या तुमने अपने फादर को देखा है, पर वो बहाना बना देता है कि पापा जो है वो ऑफिस गए हैं, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। इधर दिखाया जाता है लियो और चेजियान को। चेजियान उससे लियो के ऑफिस के बारे में पूछता है, फिर लियो बताता है कि मेरी कंपनी में सीसीटीवी कैमरास बनते हैं। और तभी गिराई का छोटा भाई लियो के ऊपर चाय गिरा देता है, बहुत ज्यादा शैतान है। इस बच्चे को आप लोग दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि इस बच्चे को मैं लास्ट एपिसोड में हीरो बनाने वाला हूँ। इसके बाद गिराई के दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है, उन्होंने ब्लेड का अस्थमा पंप यूज कर लिया था, जिस वजह से चेजियान उनको हॉस्पिटल लेके जाता है। और वहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि देखिए ये जो अस्थमा पंप है ये बाहर से आया है, क्योंकि जो सारे यहाँ के पेशेंट्स हैं वो मेरे पास ही आते हैं अस्थमा का इलाज कराने के लिए, और ये दवाई मैंने किसी को भी लिख के नहीं दी। चेजियान समझ जाता है कि अस्थमा पंप किसी और का ही है। इधर इराई जो है वो राखी को समझा रहा होता है कि देख हमें जल्दी से जल्दी इस मिशन को कामयाब करना पड़ेगा, और तू डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, और मैंने इंजेक्शन के भी पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, बस अब हमें इंजेक्शन लगवाना है, फटाफट से पारस्परम वाले एड्रेस पे जाना है। अब दिखाया जाता है रिको को, जो लियो के पास फोन लगाता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है ब्लेड कहाँ होगा। ब्लेड जो है वो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान है, और इस एरिया में सिर्फ एक ही बंदा जो है वो लड़कियों की डीलिंग करता है, जिसका नाम है पनीर। पनीर के पास ही ब्लेड और सोना दोनों है, तो हमें पनीर के घर जाके तलाशी लेनी चाहिए। और तभी पनीर का घर दिखाया जाता है, वो कार से एंटर करता है, और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।